दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी मॉन्स्टरवर्स फिल्म गॉडज़िला और कॉन्ग का महायुद्ध का आगाज आखिरकार हो ही गया। पिछली बार जब हमने गॉडज़िला और कॉन्ग की लड़ाई देखी थी तो वहां भयंकर मारपीट के बाद दोनों में सुलह हो गई थी और यह तय हुआ था कि दोनों एक दूसरे के इलाके में कभी नहीं आएंगे, जहां गॉडज़िला इंसानों के बीच रह रहा था और कॉन्ग हॉलो अर्थ में। सब कुछ ठीक ठाक था जब तक दोनों एक दूसरे के रास्ते में ना आए। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि दोनों में एक बार फिर से महायुद्ध शुरू हो गया? यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आदमी खाली साला मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर यह गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग सीरीज की दूसरी और मॉन्स्टरवर्स की पांचवी फिल्म है, जिसे एडम विंगार्ड ने डायरेक्ट किया है। आपको बता दें, यह गॉडज़िला फ्रेंचाइजी की 38वीं और किंग कॉन्ग फ्रेंचाइजी की 13वीं फिल्म है। कहानी में हम देखते हैं कि मेका गॉडज़िला से लड़ाई के बाद गॉडज़िला और कॉन्ग अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, जहां गॉडज़िला टाइटन को खोज कर उन्हें खत्म करने का काम कर रहा है और कॉन्ग अपनी प्रजाति को खोजने में लगा हुआ है। इसी बीच म्यूटोज यानी मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म पर नजर रखने वाली मोनार्क ऑब्जर्वेटरी को हॉलो अर्थ से एक अनआइडेंटिफाइड सिग्नल मिलने लगता है। इसी का पता लगाने के लिए एक टीम हॉलो अर्थ के आउटपोस्ट पर भेजी जाती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि आउटपोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गया है। पहले तो उन्हें कॉन्ग पर शक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें यह यकीन होने लगता है कि इसके पीछे कॉन्ग नहीं बल्कि कोई और मॉन्स्टर है। तभी उनका सामना एक प्राचीन इंसानी सभ्यता से होता है। दरअसल वो सिग्नल इसी सभ्यता के मंदिर के गर्भगृह से भेजा जा रहा था मदद के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले स्कार किंग नाम के एक प्राइमेट टाइटन ने गॉडज़िला की प्रजाति के खिलाफ जंग शुरू कर दिया था, लेकिन गॉडज़िला ने उसे हरा कर हॉलो अर्थ में कैद कर दिया। तब से वह खुन्नस में था और एक सही मौके की तलाश में था। इसी बीच कॉन्ग अपने प्रजाति को ढूंढते स्कार के इलाके में पहुंच जाता है, जहां दोनों में भीषण युद्ध होता है। अब चूंकि स्कार किंग के पास एक पूरी सेना और एक फ्रॉस्ट ब्रीदिंग रेप्टिलियन टाइटन शीमो भी थी, जो कि गॉडज़िला से भी ज्यादा बेरहम और खतरनाक थी, इसलिए कॉन्ग उसे अकेले नहीं हरा सकता था। इसके लिए वो इंसानी दुनिया में वापस आता है। कॉन्ग को अपने इलाके में देखकर गॉडज़िला भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स मोथ्रा की मदद से गॉडज़िला को अपने साथ हॉलो अर्थ में ले जाने के लिए मना लेता है। उसके बाद शुरू होता है मॉन्स्टर्स के बीच कलयुग का एक भीषण महायुद्ध, जहां गॉडज़िला और कॉन्ग अकेले ही स्कार किंग और उसकी सेना से भिड़ जाते हैं। अब चूंकि स्कार किंग गॉडज़िला और कॉन्ग दोनों का दुश्मन बन चुका था, तो अब इस पौराणिक लड़ाई में क्या होता है, क्या गॉडज़िला और कॉन्ग स्कार किंग की सेना को हरा पाते हैं या नहीं, इंसानियत की नजर में दुश्मन बन चुका गॉडज़िला उनका भरोसा जीत पाता है या नहीं, यह जानने के लिए इस मॉन्स्टरस मूवी को जरूर देखिएगा। अब मॉन्स्टर्स की बात हो रही है तो गॉडज़िला माइनस वन को तो हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले साल 2023 में सबसे ज्यादा अगर किसी मूवी के बारे में बात की गई है तो वो यही मूवी थी। यही वजह थी कि इसे बेस्ट विजुअल इफेक्ट का ऑस्कर भी मिला। इस मूवी को इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है कि अगर आपने इसके पिछले सारे पार्ट्स नहीं भी देखे हैं, तब भी आपको कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ना, अगर आप इस फ्रेंचाइजी पर नजर डालेंगे तो पहले गॉडज़िला को इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर कॉन्ग को इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर इन दोनों का आमना सामना करवाया गया और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अगर इस फ्रेंचाइजी को एक लाइन में सम अप करना हो तो यही कहेंगे कि यह दो जानी दुश्मनों के दोस्ती की कहानी है। आपको बता दें, इस मूवी के साथ मॉन्स्टरवर्स के 10 साल पूरे हो गए हैं, तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह मूवी उन्हीं 10 सालों का एक जश्न है। मॉन्स्टरवर्स के आगे की कहानी हमें मोनार्क लीगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स के दूसरे सीजन में देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसी मूवी के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आप पूरी दुनिया भुलाकर एक छोटे बच्चे की तरह एंजॉय कर सकें, तो बेशक यह आपके लिए ही बनी है। इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ भी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने मॉन्स्टरवर्स के इस लेटेस्ट चैप्टर को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।